फिरोजपुर में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। फिरोजपुर में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की तरफ से एक समागम कराया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी ने कहा कि पंजाब सरकार नौजवानों को नशों की दलदल में से निकालकर खेल की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब में से नशा खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्र कुमार ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि साधु संतों को राम मंदिर मामले की सुनवाई करने वाले जजों के घर हल्ला बोल देना चाहिए। बता दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर इंद्र कुमार टिप्पणी कर चुके हैं। कानपुर देहात के आरटीओ विभाग में सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता को काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन अभी भी दलालों द्वारा लोगों का शोषण हो रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ कर्मचारी जनता को काम के लिए विभाग के चक्कर कटवाते रहते हैं। लखनऊ में भाडेरा आश्रम शिव मंदिर में 15 अगस्त 2018 को साधु कालीदास और एक किसान की हत्या कर दी गई, जिससे कुछ दिन बाद 26 अगस्त को एक और किसान की हत्या कर दी गई और उसके बाद लोगों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। इन्हीं हत्याओं को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सीएम को पत्र लिखकर सभी हत्याओं की सीबीआई जांच की मांग की है। मैनपुरी में कुछ अज्ञात लोगों ने दो लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी जनपद में थाना ओछा पड़ता है और वहां का एक गांव है बड़रा। वहां जाट समाज के लोगों में ये नए लड़के थे, इसमें कुछ जो है बारात आई थी, उसमें कुछ रही होगी, तासुनी आपस में हुई होगी। उसमें 25 तारीख को कुछ आप एक लड़के की मारपीट भी की थी इन लोगों ने। जो लड़का ये एक्सपायर हुआ है, अनुज कुमार सन ऑफ छोटे बुढ़रा का जाटो समाज का, इसका एक चचेरा भाई है, उसका चोट वोट भी मार दी थी जिन लोगों ने मर्डर किया उन्होंने। तो उसका आज मेडिकल होना था, इससे पहले ही उन्होंने सलाह की कि ये मेडिकल होगा, इसकी चोट आएगी तो जेल जाएंगे, इससे पहले हम बड़ा काम करके जेल जाते हैं। समता पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के बाद राहुल ने आगामी चुनाव का एजेंडा तय करते हुए एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो देश से सभी गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी।